बार बार जिला प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को वहां से हटवाकर रैन बसेरे में शिफ्ट करवाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी भी रैन बसेरे में जाने के बाद दोबारा फुटपाथ पर रहने के लिए आकर अपना डेरा डाले हुए हैं। गोरखपुर न्यूज पर खबर चलने के बाद नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने कचहरी चौराहे पर सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहने वाले नागरिकों को हटवाकर रैन बसेरे में शिफ्ट करवाया था, लेकिन अब भी ऐसे लोग सड़क के किनारे फुटपाथ पर रह रहे हैं। मंगलवार की शाम तहसील प्रशासन ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके रैन बसेरे में शिफ्ट किया था, लेकिन बुधवार को दोबारा लोग फुटपाथ पर रहने के लिए आ गए। इसमें नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है, जबकि शासन का निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति सड़क के किनारे खुले आसमान के नीचे सोते हुए नजर ना आए। वहीं जब रैन बसेरों को चेक किया गया तो सभी रैन बसेरे खाली नजर आए। रैन बसेरे के संचालकों का कहना है कि जब हमारे पास कोई रहने के लिए आएगा तभी तो हम उनको रहने के लिए सुविधा देंगे, जब लोग आएंगे ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। रैन बसेरे में रहने के लिए तख्ता, कंबल, रजाई, तकिया, पीने का शुद्ध पानी है। इसके अलावा शौचालय व नहाने की भी पूरी व्यवस्था है, जिसके संबंध में एसडीएम नेहा बंधु ने बताया कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। जिनके पास घर नहीं है, बेसहारा है, फुटपाथ पर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को रैन बसेरे में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए तहसील प्रशासन रात में निकल कर लोगों को रैन बसेरे में पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा जो लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं वह लोग रैन बसेरे में रह सकते हैं, क्योंकि रैन बसेरे में बिस्तर, पानी की पूरी व्यवस्था है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह लोग रैन बसेरे में जाकर रह सकते हैं, उनके रुकने की पूरी व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर ना सोए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक रिजवान मलिक अंसारी, रैन बसेरा संचालक अशोक कुमार सिंह, शिव जितेंद्र झा और एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा देता है। Thank you.
निजामुद्दीन अंसारी। कहाँ से आए हैं? देवरिया जिला। किस लिए आए हैं? सुबह ट्रेन पकड़ना है गोरखधाम, लोकमान्य तिलक जो मुंबई जाती है। आप रैन बसेरे में यहाँ पे रुके, किस तरह की व्यवस्था है? अच्छा व्यवस्था है। रात भर रहेंगे? हाँ रात भर रहेंगे। कहाँ जाना आपको? जाना है हमको वहाँ पूना। मेरा नाम जितेंद्र झा। और महिला 10 बेड है पुरुषों के लिए, 10 है महिलाओं के लिए। बाकी बेड और ये सब लगाई करता एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा भी लोग आ जाए तो भी उनका व्यवस्था हो जाता है। ठंड का सीजन बढ़ गया है तो यहाँ पर काफी का चुकी है। देखिए जैसे 10 बेड का है तो कल 12 लोग रखे थे, तो ठंड का मौसम में एक आध बढ़ भी जाते हैं तो एडजस्ट हो जाती है। बाकी लैट्रिन बाथरूम पूरा फ्रेश है, आप देख सकते हैं। पीने के लिए एरो वाटर है। अशोक कुमार सिंह। सारी व्यवस्थाएं हैं, 15 बेड है, शाम को बुक होता है। यहाँ पे रुकने के लिए क्या कंबल ये सब? रजाई कंबल सब है। 15 लोग रुकते हैं? 15 रुकते हैं, 5 महिलाएं हैं, 10 पुरुष। बाकी अलाव वगैरह की? अलाव व्यवस्था है, सामने शाम को जलता है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी रोड रोड पे सोते हैं, वो लोग यहाँ पे आते नहीं हैं, ऐसे लोग क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था भी है। ठीक है, अब ऐसे लोग आएंगे तो हम लोग रखेंगे। जी शिव नाम। क्या क्या व्यवस्था है जी? सर यहाँ व्यवस्था दिया गया है बेड का, एक एक बेड अपना 22 आदमी इसमें रुक सकते हैं सर, 22 चरपाई हैं। उसमें व्यवस्था उड़ने के लिए? उसमें कंबल दिया गया है, चादर दिया गया है, तकिया है, सब कुछ, नहाने का, अंदर धोने का व्यवस्था, लाइट रूम बाथरूम व्यवस्था, सारी व्यवस्था है। यहाँ पे लोग रुकते हैं? जी सर, ये शाम को लगभग वही 6-7 बजे से आते हैं लोग, 8-9 बजे तक जो एंट्री होती है वो रजिस्टर में सब मेंटेनेंट होता है सर जी, नाम लिखा जाता है, नाम पता मोबाइल नंबर एड्रेस सब सारी लिखे जाते हैं। अलाव नहीं जल रहा है? अलाव क्वाइल वाला? अलाव जो आग जलता है? नहीं सर, बाहर नहीं जल रहा है, इसमें आग नहीं जल रहा है सर। बाहर आग जलता है? नहीं सर, नहीं आग नहीं जल रहा है। व्यवस्था नहीं किया नगर निगम सर? यहाँ पर नहीं हुआ, वहाँ आगे हुआ है इस रोड के बगल में, यहाँ पर नहीं हुआ। सड़क किनारे जी, जैसा कि मौसम विभाग का भी अलर्ट जारी है कि अभी आगामी जो दिनों में काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, ऐसे में कुछ व्यक्ति जिनके पास घर नहीं है, बेसहारा हैं, बाहर फुटपाथ पर सो रहे हैं या रह रहे हैं, तो डीएम सर के आदेश हैं और सरकार की भी मंशा है कि जो बाहर असहाय लोग हैं इन लोगों को रैन बसेरे में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए पूरा प्रशासन रात में भी उनके द्वारा निरीक्षण किया जाए, रात में भी उन लोगों को शिफ्ट किया गया है, कल रात की ही बात है ऐसा, और हमारी पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई है। मैम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी चले हैं, उनके लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, तो इसमें जैसे हमारी सरकार की प्रशासन की व्यवस्था है कि हमारे गोरखपुर में काफ़ी पर्याप्त रैन बसेरे हैं, उनमें उसमें सोने की, बिस्तर की, पानी की, सबकी व्यवस्था है। तो मेरा लोगों को आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से यही सूचना देना चाहूँगी कि आप जितने लोग बाहर सो रहे हैं या इस तरह के, तो तुरंत आप सूचना करें, उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा सकता है, और हमारे और आपके सबके सहयोग से ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए नहीं है, रात गुजारने के लिए नहीं है, वो कड़ाके की ठंड में कम से कम रैन बसेरे में आराम से चैन की नींद सो सकें।